हम लोग पहुंचे बेटा एक नए चैप्टर पे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट पे। अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट में सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट बता दूं और ये बता दूं कि हम कौन होते हैं। इस चैप्टर में हम लोग एक इन्वेस्टर हैं, इस चैप्टर में हम लोग एक इन्वेस्टर हैं, मतलब हम अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स खरीदते हैं, अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स खरीदते हैं। फिर उन इन्वेस्टमेंट्स पे हमको हर 6-6 महीने में इंटरेस्ट मिलते रहता है। अब इन्वेस्टमेंट्स जब भी हम लोग खरीदते हैं तो बेसिकली उसमें दो अमाउंट्स होती है, एक फेस वैल्यू और एक कैपिटल वैल्यू। तो ये चैप्टर ज्यादा कैलकुलेशन बेस्ड है, ज्यादा मैथमेटिकल चैप्टर है। मैं पहले सारा फॉर्मेट बताऊंगा कि इस चैप्टर में कौन से अकाउंट्स बनाने हैं, कैसे जर्नल एंट्रीज करनी है। लेकिन इस चैप्टर में अकाउंट्स और जर्नल एंट्रीज हर क्वेश्चन में सेम ही रहते हैं, कैलकुलेशन चेंज होती रहती है। तो ज्यादा इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन है। मैं धीरे धीरे आप लोगों को सारा फॉर्मेट, सारी एंट्री, सब कुछ बता दे जाऊंगा। ये सब कुछ थियरी वाले पेजेस में लिखना, पहले पूरा समझना अच्छी तरह। ये फॉर्मेट है इन्वेस्टमेंट अकाउंट का। इस पूरे चैप्टर में हर क्वेश्चन में आपको ऐसा एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, अब इंटरेस्ट ड्यू डेट्स, मतलब जो भी हमने इन्वेस्टमेंट्स खरीदी है उस पे इंटरेस्ट कौन सी डेट पे ड्यू होगा, और इंटरेस्ट रिसीविंग डेट्स, मतलब जो भी हमने इन्वेस्टमेंट खरीदी है उन पे हमको कब कब इंटरेस्ट मिलेगा। तो ड्यू होना अलग बात है और रिसीव होना अलग बात है। हम कौन है? इन्वेस्टर है। हमने अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स खरीदी है, तो पूरे साल में हमने जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स खरीदी बेची उनकी पूरी ट्रांजेक्शन्स इस इन्वेस्टमेंट अकाउंट में होती है। ठीक है, ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट हमारे लिए एसेट है। इन्वेस्टमेंट जो है ये हमारे लिए एक एसेट है। इन्वेस्टमेंट, कोई भी इन्वेस्टमेंट हमारे लिए एसेट होता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एसेट्स का डेबिट साइड पे प्लस होता है और क्रेडिट साइड पे माइनस। तो इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट है। किसी भी एसेट में डेबिट साइड पे ऐड होता है और किसी भी एसेट में क्रेडिट साइड पे लेस होता है। तो जब भी इन्वेस्टमेंट हम खरीदेंगे, परचेज करेंगे, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, जब भी हम इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे तो डेबिट व्हाट कम्स इन, और जब भी हम इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये इस चैप्टर के कुछ बेसिक बेसिक बातें हैं। इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे तो इन्वेस्टमेंट्स डेबिट होगा, इन्वेस्टमेंट हम परचेज करेंगे तो ऐड होगा तो डेबिट होगा, और जब हम इन्वेस्टमेंट सेल करेंगे, बेचेंगे, तो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा क्रेडिट। तो बेसिकली डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट का फॉर्मेट है। ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट का फॉर्मेट है। इस तरीके का एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट या इन्वेस्टमेंट लेजर हर क्वेश्चन में आपको बनाना है। अब ये अकाउंट आधे पेज में आ जाएगा, लेकिन इसकी जो कैलकुलेशन है, जो वर्किंग नोट्स है, उसके लिए कम से कम 3 या 4 पेज चाहिए। अब सबसे पहले डेबिट साइड पे डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू, फिर इंटरेस्ट, फिर कैपिटल वैल्यू मतलब बुक वैल्यू, फिर क्रेडिट साइड पे भी सेम कॉलम्स, डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू, फिर इंटरेस्ट, फिर कैपिटल वैल्यू मतलब बुक वैल्यू। ये 3 अमाउंट के कॉलम डेबिट साइड पे हैं और 3 अमाउंट के कॉलम क्रेडिट साइड पे हैं। ऐसा ये फॉर्मेट होता है हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट का। अब सपोज करो हमारा अकाउंटिंग ईयर, सपोज करो अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ 1/4/2022 पे, हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ 1/4/2022 पे, तो हम लोग डेबिट साइड पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये हमारे इन्वेस्टमेंट्स का ओपनिंग बैलेंस हुआ। तो जो भी ओपनिंग बैलेंस होता है वो ऑब्वियसली डेबिट साइड पे लिखते हैं, क्योंकि ये हमारा एसेट है। अब इन्वेस्टमेंट का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा क्रेडिट साइड पे। तो अगर हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होगा 1/4/22 से, तो हमारा अकाउंटिंग ईयर खत्म होगा 31/3/2023 पे, मतलब 22 से लेकर 23, ये हमारा अकाउंटिंग ईयर होगा। तो जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा वो हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, अब जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट्स परचेस करेंगे, जो भी डेट पे हमने इन्वेस्टमेंट परचेस किया होगा, तो हम लोग यहाँ पे डेट में, जो भी क्वेश्चन में डेट दी हुई है वो लिखेंगे।
फिर जब भी हम इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे तो यहाँ पे आएगा टू बैंक अकाउंट, फिर इन्वेस्टमेंट परचेज करते टाइम एक नॉमिनल वैल्यू भी होगा, नॉमिनल वैल्यू की अमाउंट भी होगी, इंटरेस्ट की अमाउंट भी होगी और कैपिटल वैल्यू की अमाउंट भी होगी। ये हमने इन्वेस्टमेंट्स परचेज किया, तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे तो डेबिट साइड पे एंट्री आएगी, डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब इन्वेस्टमेंट ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट बेचेंगे, सेल करेंगे, तो क्रेडिट साइड पे एंट्री आएगी, डेट जो भी क्वेश्चन में दी हो वो। अभी हमने इन्वेस्टमेंट बेची तो क्रेडिट साइड पे आएगा बाय बैंक अकाउंट। अब जब हम इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो उस वक्त भी एक नॉमिनल वैल्यू होगी, नॉमिनल वैल्यू की अमाउंट होगी, इंटरेस्ट की अमाउंट होगी और कैपिटल वैल्यू की अमाउंट होगी। ये हमने इन्वेस्टमेंट्स को बेचा, सोल्ड, सेल किया, जब हम इन्वेस्टमेंट्स को बेचेंगे तो क्रेडिट साइड पे एंट्री आएगी। तो मैंने आपको बताया कि ओपनिंग बैलेंस आता है डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस आता है क्रेडिट साइड, परचेज की एंट्री हो तो डेबिट साइड, सेल की एंट्री हो तो क्रेडिट साइड। जो भी मैं ब्रैकेट्स लिख रहा हूँ वो ब्रैकेट्स सिर्फ आपके समझने के लिए, वो आप एग्जाम में ब्रैकेट्स नहीं लिखोगे चलेगा, बाकी आपको ये लिखना पड़ेगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड, टू बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट, ये लिखना पड़ेगा। फिर जब भी हम लोगों को इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि सीधी बात है ना, हमने पैसा इन्वेस्ट किया है तो इंटरेस्ट तो मिलेगा, तो जब भी हमको इंटरेस्ट मिलेगा तो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट इंटरेस्ट रिसीव्ड, और इसकी अमाउंट सिर्फ इंटरेस्ट के कॉलम में आएगी। इंटरेस्ट जब भी रिसीव होगा तो ये क्रेडिट होगा, क्योंकि इंटरेस्ट हमारी इनकम है इस चैप्टर में, इस चैप्टर में इंटरेस्ट हमारी इनकम होगी कंपल्सरी, क्योंकि हमने पैसा इन्वेस्ट किया तो इंटरेस्ट हमको मिलेगा, तो हमेशा इंटरेस्ट क्रेडिट ही होगा। बाय बैंक अकाउंट जितना भी इंटरेस्ट रिसीव्ड है वो इंटरेस्ट के कॉलम में। तो गिनी चुनी ये चार पांच एंट्री होती है इस अकाउंट में। हाँ, फिर परचेज दूसरी बार होगा, अगर परचेज की एंट्री फिर से है, दूसरा परचेज है, तो डेबिट साइड पे फिर से लिखो टू बैंक। अगर सेल की एंट्री फिर से है, दूसरी बार सेल की है, तो क्रेडिट साइड पे फिर से लिखो बाय बैंक। सिंपल है, एंट्री सिर्फ इतनी है जितनी मैंने अभी तक आपको बता दी। ठीक है, अब आप देखोगे ना मोस्टली सब में ऐसे ही होगा, टू बैंक बाय बैंक बाय बैंक, सब जगह ऐसे ही होता है टू बैंक बाय बैंक बाय बैंक। तो इसका मतलब ये होता है कि इस चैप्टर में ज्यादा इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट इतना ही होता है। हाँ, मार्क्स इसी की है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट की बहुत ज्यादा मार्क्स होती है, लेकिन जो कैलकुलेशन है, जो वर्किंग नोट्स है, उसकी भी बहुत मार्क्स होती है। ठीक है, आगे अब मैं कुछ रूल्स बताऊंगा कैलकुलेशन के, अमाउंट की कैलकुलेशन के मैं कुछ रूल्स बताऊंगा। ये रूल्स आप लोगों को बहुत काम आएंगे, सुनना ध्यान से। इस वक्त समझ में ये रूल्स कम आएंगे, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू नहीं करेंगे तब तक ये रूल्स थोड़ा कम कम समझ में आएंगे, लेकिन ट्राई करना कि आपको पता चले। टोटल किसी भी इन्वेस्टमेंट की तीन अलग अलग वैल्यूज होती है, there are three different values of an investment। किसी भी इन्वेस्टमेंट की तीन अलग अलग वैल्यूज होती है। ए, सबसे पहले होता है नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू को हम लोग फेस वैल्यू भी बोलते हैं। सबसे पहले नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू। इसके बाद बी पॉइंट, मार्केट वैल्यू। अब नॉमिनल वैल्यू अलग है, मार्केट वैल्यू अलग है, और सी पॉइंट होता है कैपिटल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू अलग बात है, मार्केट वैल्यू अलग बात है, और कैपिटल वैल्यू अलग बात है। इसमें से हम लोग अपने अकाउंट में, हम अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ए पॉइंट और सी पॉइंट लिखते हैं। हम नॉमिनल वैल्यू लिखते हैं और कैपिटल वैल्यू लिखते हैं अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। मार्केट वैल्यू सिर्फ कैलकुलेशन में काम आता है। मार्केट वैल्यू हम लोग कहीं पे अकाउंट में कहीं पे नहीं लिखते हैं, लेकिन कैलकुलेशन में हमको बहुत काम आता है। अच्छा, कैपिटल वैल्यू का दूसरा नाम होता है बुक वैल्यू। कैपिटल वैल्यू का दूसरा नाम होता है बुक वैल्यू। तो इस तरीके से इस चैप्टर में हर एक इन्वेस्टमेंट की तीन वैल्यूज होती है, नॉमिनल वैल्यू, मार्केट वैल्यू, कैपिटल वैल्यू। आगे, अब इस चैप्टर में बहुत सारे परसेंटेजेस कैलकुलेट करने होते हैं, इंटरेस्ट का परसेंटेज, मार्केट वैल्यू का परसेंटेज, ब्रोकरेज का परसेंटेज, बहुत सारे परसेंटेजेस इस चैप्टर में कैलकुलेट करने होते हैं। तो मैं वो परसेंटेजेस की कैलकुलेशन कैसे करनी है वो बता रहा हूँ।
परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट शुड ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, मतलब इंटरेस्ट का परसेंटेज हमेशा फेस वैल्यू पे ही कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट का परसेंटेज हमेशा फेस वैल्यू पे ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब मैंने बोला था कि थोड़ा कम कम समझ में आएगा यहां से लेकर, लेकिन अगर आपको ये रूल्स याद हो गए सारे, तो इस चैप्टर का वेटेज होता है 20%, मतलब जितना भी आपका एग्जाम है उसका 20% वेटेज इस क्वेश्चन का होता है। तो अच्छी तरह से समझोगे हर एक रूल तो ही समझ में आएंगे मेरे को। डायरेक्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो मैं कभी नहीं कराता हूँ, पहले रूल्स ही आएंगे उसके बाद ही समझ आएंगे। सुनना ध्यान से, इसके बाद द परसेंटेज ऑफ मार्केट वैल्यू, द परसेंटेज ऑफ मार्केट वैल्यू शुड ऑलवेज बी कैलकुलेटेड, शुड ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, मतलब इंटरेस्ट का परसेंटेज भी फेस वैल्यू पे और मार्केट वैल्यू का परसेंटेज भी फेस वैल्यू पे। अब एक तीसरा आता है ब्रोकरेज, ब्रोकरेज का जो परसेंटेज है वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। ब्रोकरेज का परसेंटेज कभी कभी ऑन फेस वैल्यू होता है और ब्रोकरेज का परसेंटेज कभी कभी ऑन मार्केट वैल्यू होता है। क्वेश्चन में बताया हुआ होता है कि ब्रोकरेज का परसेंटेज फेस वैल्यू पे निकालो या ब्रोकरेज का परसेंटेज मार्केट वैल्यू पे निकालो, वो क्वेश्चन में बताया हुआ होता है। लेकिन अगर बताया हुआ नहीं हो तो ब्रोकरेज का परसेंटेज हमको मार्केट वैल्यू पे निकालना चाहिए, ठीक है। मैं पूरा लिख के देता हूं जो मैंने बोला। समटाइम्स द परसेंटेज ऑफ ब्रोकरेज इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू एंड समटाइम्स द परसेंटेज ऑफ ब्रोकरेज इज कैलकुलेटेड ऑन मार्केट वैल्यू, ऑन मार्केट वैल्यू एज पर इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन, एज पर इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन में बताया हुआ होता है कि ब्रोकरेज का परसेंटेज फेस वैल्यू पे निकालो या ब्रोकरेज का परसेंटेज मार्केट वैल्यू पे निकालो, बट इफ नो इंफॉर्मेशन is given, but if no information is given, then the percentage of brokerage should be calculated on market value. But if no information is given, then the percentage of brokerage should be calculated on market value. ठीक है? तो interest का percentage हमेशा face value पे, market value का percentage हमेशा face value पे, brokerage में अगर question में बताया हुआ हो face value तो face value, question में बताया हो market value पे तो market value पे, कुछ नहीं बताया हो तो market value पे। आगे, आगे next point। इंटरेस्ट हम लोगों को अगर क्वेश्चन में दो डेट्स दी हुई है, नॉर्मली 99% क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि इंटरेस्ट की दो डेट्स दी होती है कि हमको इंटरेस्ट इस दिन पे मिलेगा। तो पहले मैं लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ। ऑन द डेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑन द डेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट शुड बी received for 6 months, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ टू डेट्स। कभी कभी क्वेश्चन में दो डेट्स दी होती है कि इंटरेस्ट हमको मिलेगा फॉर एग्जाम्पल 30 June and 31 December में। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ। एग्जाम्पल क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है, इंटरेस्ट इज रिसीव्ड एवरी ईयर on 30th
उन एंड 31st December। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ होता है कि इंटरेस्ट जो है वो हमको साल में दो बार मिलता है 30 June और 31 December पे। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है कि साल में दो बार इंटरेस्ट मिलता है मतलब टू डेट्स, तो सीधी बात है 6-6 महीने का मिलेगा, 6 महीने का 30 June पे मिलेगा और 6 महीने का 31 December में मिलेगा। तो जिस दिन भी इंटरेस्ट की डेट आती है 30 June आती है या 31 December आती है, उस दिन हम 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 6 months का। लेकिन कभी कभी यहाँ पे टू डेट्स की जगह पे कभी कभी 4 dates भी दी होती है, तो सुनना ध्यान से, इंटरेस्ट और इंटरेस्ट शुड बी रिसीव्ड फॉर थ्री मंथ्स अगर 4 dates दी हुई है तो। अब कभी कभी क्वेश्चन में 4 dates दी होती है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ हो कि इंटरेस्ट इज रिसीव्ड एवरी ईयर, इंटरेस्ट इज रिसीव्ड एवरी ईयर ऑन 31st March, 31st March, 30th June, 30th September, 31st December। तो अगर ऐसी 4 dates दी हो क्वेश्चन में कभी भी कि इंटरेस्ट हमको इन 4 dates पे मिलता है, 31st March पे मिलता है हर साल, 30 June पे हर साल, 30 September पे हर साल और 31 December पे हर साल, अगर ऐसी 4 dates दी हो तो सीधी बात है चारों डेट्स पे हमको 3-3 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। 3 महीने का 31 मार्च पे मिलेगा, फिर 3 महीने का 30 June पे मिलेगा, फिर 3 महीने का 30 September पे मिलेगा और 3 महीने का 31 December पे मिलेगा। तो अभी आपको फुल 100% तो समझ में नहीं आएगा कि ये सब क्या चल रहा है, पर बस इतना पता चलेगा कि 30 June और 31 December में 6-6 महीने का गैप होता है, तो इंटरेस्ट 6 महीने का 6 months का मिलना चाहिए। और अगर ये 4 dates दी हुई है तो इन 4 dates में 3-3 महीने का गैप है, तो इंटरेस्ट हमेशा हमको 3-3 महीने का मिलेगा। तो मैंने कैसे याद किया था जब मैं आपकी उम्र में था, मैंने ऐसे याद किया था कि अगर 2 dates दी हुई है तो 6-6 महीने का इंटरेस्ट, अगर 4 dates दी हुई है तो 3-3 महीने का इंटरेस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी रूल्स करते हैं, याद रखना सारे रूल्स, तो मजा आएगा जब हम सम सॉल्व करेंगे। फिर ऑन द डेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑन द डेट ऑफ इंटरेस्ट पहले होता है स्टेप वन, कैलकुलेट द बैलेंस और डिफरेंस, कैलकुलेट द बैलेंस और डिफरेंस ऑफ नॉमिनल वैल्यू कॉलम। मतलब जिस दिन भी इंटरेस्ट की डेट आती है, उसमें आप पहले नॉमिनल वैल्यू कॉलम जो है उसका डिफरेंस फाइंड आउट करोगे। नॉमिनल वैल्यू में आप डेबिट माइनस क्रेडिट करोगे, तो जिस दिन भी इंटरेस्ट हमको मिलने वाला है उस दिन पे 2 steps होते हैं। पहला स्टेप होता है कैलकुलेट द डिफरेंस और बैलेंस ऑफ नॉमिनल वैल्यू कॉलम, फिर ये जो डिफरेंस है इस डिफरेंस पे हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट इक्वल टू ये जो बैलेंस या डिफरेंस आया, बैलेंस ऑफ नॉमिनल वैल्यू कॉलम, जो नॉमिनल वैल्यू कॉलम का बैलेंस आया इसको मल्टीप्लाई बाय जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा इन्वेस्टमेंट्स पे, मल्टीप्लाई बाय जितने भी नंबर ऑफ मंथ्स होंगे, डिवाइडेड बाय वही अपना सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय आर है तो डिवाइडेड बाय 100 होगा और नंबर ऑफ मंथ्स है तो डिवाइडेड बाय 12 होगा। ठीक है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी अपॉन 100। तो जो हमारा नॉमिनल वैल्यू कॉलम का बैलेंस आएगा डेबिट माइनस क्रेडिट, उसको मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। इन्वेस्टमेंट्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में ही दिया हुआ होगा,
डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ्स अपॉन 12, ये जो नंबर ऑफ मंथ्स है ये मैंने अभी अभी आपको बताया, ये नंबर ऑफ मंथ्स यहाँ 6 months होगा ये वाला, यहाँ 3 months होगा। तो हम लोगों को यहाँ 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ्स में यहाँ 6 आएगा या 3 आएगा। अगर हमको क्वेश्चन में 2 dates दी हुई है तो 6 upon 12, और अगर क्वेश्चन में हमको 4 dates दी हुई है तो 3 upon 12। तो इस तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। मैं आपको एक बार नॉमिनल वैल्यू का कॉलम दिखा देता हूँ, ये नॉमिनल वैल्यू का कॉलम है। तो जिस दिन भी हम लोगों को इंटरेस्ट मिलने वाला होगा उस दिन हम लोग नॉमिनल वैल्यू के कॉलम को डेबिट माइनस क्रेडिट करेंगे। नॉमिनल वैल्यू के कॉलम का डेबिट का टोटल माइनस नॉमिनल वैल्यू के कॉलम का क्रेडिट का टोटल। तो नॉमिनल वैल्यू के कॉलम को डेबिट माइनस क्रेडिट करेंगे जिस दिन इंटरेस्ट की डेट होगी उस दिन पे, ठीक है। फिर जितना डिफरेंस या बैलेंस आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 6 upon 12 या 3 upon 12, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। या 6-6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा या 3-3 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। अभी भी जैसे मैंने ये 6 point तक पहुंचा हूं, टोटल 10 या 12 points हैं, ये धीरे धीरे करके मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा। और ये सारी पॉइंट्स 10-12 points एक साथ याद होंगे आपको तो ही क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आएगा, ठीक है। पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग इतना लिख लो। एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूं सारा जो मैंने इस लेक्चर में बताया। ये क्रेडिट साइड पे एक कॉलम दिख नहीं रहा है, कौन सा कॉलम? कैपिटल वैल्यू का कॉलम दिख नहीं रहा है स्क्रीन पे, ये कैपिटल वैल्यू। तो लिख लेना सारा अच्छी तरह, थोड़ा मैं जूम आउट करके दिखा देता हूं, अब दिखेगा, ठीक है, अब पूरा एक साथ दिख रहा है। ये सारे रूल्स लिखना अच्छी तरह। ठीक है बेटा, इतना लिखो, फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी आगे कंटिन्यू करते हैं।